ईसाई मेरे कारण से बड़े परेशान। एक मेरी किताब है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, जो पागीदार जो अभी अमेरिका से आई है मेरे शिष्य है, उसने उसको ट्रांसलेट किया है। तो उसमें हमने ये बताया उनको कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में जेरूसलम से गायब हो गया और 18 साल कहां रहा, 30 साल की उम्र में प्रकट हुआ और तुमने उसको मार दिया। समझे? तो मैंने कहा मेरे से दीक्षा लो तुमको ईसा का पूरा जीवन दिख जाएगा। भारतीय योग दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में वही ब्रह्मांड में, तो सारा ब्रह्मांड जब अंदर है तो आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूं, टाइम एंड स्पेस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं जी कितने दिन में ये चेतन हो जाएगी कुंडली, कितने दिन में फायदा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई गुरु कहते हैं जी 20 साल ऐसा करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल जिंदा रहेंगे गुरु चेला, इसकी क्या गारंटी है। राजा जनक को एक दफे खपत सवार हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, बहुत गुरुओं को बुला लिया, वो नहीं बता सके तत्व दर्शन क्या है। उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए, उसके बेचारे का 8 कुंभ थी, नेचुरली भगवान ने ऐसे बनाया उसको। तो गुरु उसको देख के हंस दिए। तो जनक ने पूछा महाराज ये तो नहीं बता सके अष्टावक्र जी से, आप बता दो। तो पहले उन गुरुओं को जवाब दिया राजन ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज बता दो। कहने लगे आप जनक को राजा हो इसलिए और ऑर्डर देते हो बता दो, तो नहीं बताऊंगा। ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो रेफरेंस आता अष्टावक्र गीता एक किताब है कि राजन घोड़े के एक रकाब में पैर रखो दूसरे में नहीं रख सकोगे, बस इतना कि आपका अहम खत्म हो जाए कि आप राजा हो इसलिए तत्व ज्ञान बताऊं। तो वर्णन आता है कि 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। तो ये रेफरेंस देने का मेरे को मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं को आपको अपना आपसे आपका परिचय कराऊंगा आप क्या हो। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। समझे? देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। वो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे? मगर एड्स और कैंसर के लिए किसी के पास मत जाओ। मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहां आज्ञा चक्र पे या गंगा नदी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगा नदी को भी देख लेते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। इजराइल में मेरे सैकड़ों शिष्य है, वो ध्यान कर रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब तरह का विकास आ गया मुझ में। अभी आपने देखा चंद्रमा पे एक रॉकेट गया, तो अब कुंडलिनी तो रीड के डे के आखिर हिस्से में बेसमेंट में सेक्रम में 3:30 घंटे लगाकर दुम को मुंह में दबाए अचेतन अवस्था में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में। हार्ट योग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो पागल भी कर देती है, हार्ट फेल भी कर देती है। तो आपको कुछ नहीं है करना जाना, कुंडली जागृत तो नहीं आप, मैं बताओ नाम जप करने लगा। जो ही कुंडली जागृत हो जाएगी अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी।
अब जैसे रॉकेट ऊपर जाता है नीचे स्पार्क होता है, इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण अपान समान उदान और व्यान। प्राणवायु जो स्वामी रामदेव प्राणायाम करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या क्या करवाता है। अपार वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता, अब वो ऊपर कैसे उठे, पीछे से पुश खोरे ना, जैसे रॉकेट जाता है पीछे एनर्जी का पुश लगता है। इसमें 3 तरह के बंद लगते हैं, अपने आप लगेंगे। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अब वो अपान वायु नीचे जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर कुंडल नहीं उठी कि दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। ना भी आपकी रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाहे आप कितने मोटे हो। जो ही ऊपर कंठ से ऊपर उठ गई तो तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। फिर जो बाकी हिस्सा रह गया रीढ़ की हड्डी का, उसमें हर तरह के एक्सरसाइज संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। रो भी अपना आप होगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो केवल नाम जपोगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उत्तर पार, समझे। तो जो ही आज्ञा चक्र से ऊपर निकले कुंडलनी तो समाधि लग जाएगी। समाधि के 3 रूप है। पहला ध्यान, ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसको कह देंगे समाधि। समाधि के 2 स्टेज, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। जब सहस्रार में पहुंच जाएगी कुंडलनी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नीचे भी मैं था यहां भी मैं हूं। जब तक यहां नहीं पहुंचते भगवान के दर्शन होंगे। तो एक मनुष्य का उच्चतम विकास है। गीता में मनुष्य के बारे में भगवान ने कहा है कि मतलब इस शरीर में स्थित तो अभी मतलब ईश्वर है, परंतु पहले कहते परंतु प्रारंभ कर्म वश करता बढ़ता भोगता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है, अंत में क्या सच्चाई है कि परमात्मा है। तो ये विकास केवल भारतीय करता है। वहां मैं अमेरिका में गया, मिशिगन में एक चैनल है अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन का टीवी एशिया करके, वहां मेरा इंटरव्यू लिया, वहां के लाइव टेलीकास्ट किया पूरे अमेरिका में। गुजरात के कम से कम 50-60 पटेल वहां हैं अमेरिका में। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज्ञान का दान करने आया हूं, दान करने आया हूं, समझे, पैसा डॉलर लेने नहीं आया हूं। और खाली जेब गया, खाली आ गया 3 दफे में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है, जब व्याख्या की तो कहने लगा सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान, तीसरा प्राण दान। तो मेरे को तो गुरुओं की कम